हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? सब्जेक्ट मैथ मैजिक, स्टैंडर्ड 4, चैप्टर नंबर 13, फिल्स एंड फ्रेंसिस। लास्ट आवर क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आवर कंप्लीटेड। टुडे स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। इफ 8 स्क्वेयर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट फ्रॉम the square D, then the figure format is E. Will the boundary of E be less or more than D? Find its length. See the square D, first one, 5 cm, 5 cm, 5 cm, and 5 cm. Total is 20 cm boundary. तो E का कितना होगा वो हम count करेंगे square. वन लाइन टोटल 1 cm, ओके। तो यहाँ पे 1 cm यानी 4 साइड, 1, 2, 3, 4, 4 साइड, 1 स्क्वेयर, सेकेंड 4, 4 + 4, 8, 8 + 4, 12, एंड 12 + 4, 16, 4 स्क्वेयर के टोटल 16 हुए। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1 साइड 5, सेकेंड साइड 5, 5 and 5, तो टोटल 5, 10, 15 and 20, 20 + 60, टोटल 36, तो E का हुआ 36, ये राइट, D इज इक्वल टू 20 एंड E इज इक्वल टू 36, डाउन साइड राइट, D इज इक्वल टू 4 साइड मल्टीप्लाई 1 साइड 5 cm, यानी 4 × 5 इज इक्वल टू 20 एंड E 36 cm। दोनों के बीच का डिफरेंट यानी माइनस सम्स, बिग नंबर अपर साइड यानी 36 - 20 इज इक्वल टू 60। डाउन साइड राइट, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर ई इज 16 cm मोर देन फिगर डी, यानी ई 60 cm डी से ज़्यादा है। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 3 अवर कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10 and 11 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ओके, ये हम बाद में कंप्लीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच इज द बिगेस्ट लीफ इन द पिक्चर गिवन बिलो, वाई? यहाँ पे काउंट करना है जिसे हमने आगे काउंट किया था, स्क्वेयर, पूरा स्क्वेयर होगा उसे 1 काउंट करेंगे। हाफ से ज़्यादा होगा वो भी 1, हाफ से कम होगा वो 0, एंड हाफ होगा वो हाफ, यानी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो बी का होगा टोटल 15 एंड डी का भी हो रहा है 15, यानी दोनों इक्वल है। डाउन साइड राइट, बी एंड डी इज द बिगेस्ट लीफ बिकॉज लीफ बी एंड डी हैज़ द मोस्ट स्क्वेयर, यानी सबसे ज़्यादा उसमें स्क्वेयर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आवर कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द स्मॉलेस्ट लीफ इन द पिक्चर गिवन बिलो, वाई? यहाँ पे भी वैसे काउंट करना है, तो सबसे स्मॉल है बी क्योंकि इसमें स्क्वेयर कम है। डाउन साइड राइट, बी इज द स्मॉलेस्ट लीफ बिकॉज लीफ बी हैज द लीस्ट स्क्वेयर, यानी सबसे कम स्क्वेयर है। क्वेश्चन नंबर 13 हियर कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क। ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करने, काउंट करने स्क्वेयर। ये लाइन 1 cm की है, ये भी 1, यानी टोटल बाउंड्री आपको काउंट करनी है कितने सेंटीमीटर है। ओके, वैसे ही इसमें 1 cm की लाइन है, पूरी बाउंड्री आपको काउंट करनी है कितने सेंटीमीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो होमवर्क। यहाँ पे स्मॉल स्क्वेयर आपको काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे काउंट करने हैं टोटल कितने हुए वो यहाँ पे लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे ड्रॉ करने हैं स्क्वायर, ऐसे ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं और फिर कितने हुए वो यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट सम्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ 50 cm लॉन्ग एंड 20 cm ब्रॉड रेक्टेंगुलर टेबल। यहाँ पे
लॉन्ग यानी 50 सेंटीमीटर एंड ब्रॉड 20 सेंटीमीटर, तो दोनों का प्लस करेंगे हम. ओके, लेंथ एंड ब्रीथ. सी रेक्टेंगल यानी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी दोनों का प्लस करेंगे तो ये भी दोनों आंसर मिल जाएंगे. 50 प्लस 20 टोटल 70, एंड टू साइड 1 एंड 2, और ये भी 2 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई 2. यार लेंथ प्लस ब्रीथ 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70, और मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14, तो 140 08 करेंगे यानी 140 टोटल. यहाँ पे भी 50 आएगा और यहाँ पे भी 20 आएगा, तो टोटल बाउंड्री इज 140. फर्स्ट सम्स अवर कंप्लीटेड. नेक्स्ट सेकेंड वन, हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर 64 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर ब्रॉड रेक्टेंगुलर फिल्ड टू फैंस विथ 4 रोज ऑफ थ्रोन वायर. यहाँ पे भी वैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ यानी 64 प्लस 36 दोनों का प्लस 100 मल्टीप्लाई 2. आंसर इज 200. 2 1 जा 2 एंड 2 0 एड 200. यहाँ पे 4 रोज बोला है तो 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 4 रो है तो 200 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 800. लास्ट अवर आंसर इज 800. ओके, सेकेंड सम्स ऑल्सो कंप्लीटेड. वैसे आपको थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क में कंप्लीट करना है. नेक्स्ट चूज द करेक्ट फर्स्ट वन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड x सेंटीमीटर. आंसर डी, x मल्टीप्लाई x सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज अवर फॉर्मूला स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन. द परिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ साइड्स 9 मीटर 12 मीटर एंड 15 मीटर इज डैश. यानी टोटल ट्रायंगल के हमें साइड्स देखनी है तो तीनों का प्लस करेंगे तो आंसर इज 36 मीटर. नेक्स्ट थर्ड वन. इफ द परिमीटर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज 26 सेंटीमीटर देन फाइंड द एक्स ऑफ इट. टोटल फील्ड है 26 सेंटीमीटर, तो हमें एक्स ढूंढना है कितना है. 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर प्लस 9 यानी 19, टोटल है 26. तो 26 माइनस 19 ये कट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी 26 माइनस 19 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर सी. ओके, एंड लास्ट वन फोर्थ वन. इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 मीटर स्क्वेयर देन विच डायमेंशंस मे नॉट बी पॉसिबल. ऑप्शन नंबर डी 8 प्लस 4, यानी दोनों का प्लस करेंगे हम. 8 प्लस 4 टोटल 12. स्क्वेयर बोला है यानी 12 प्लस 12 24. इसका आंसर सही होगा, बाकी सब रॉन्ग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अवर आंसर. या चूज द करेक्ट अवर कंप्लीटेड. ओके, थैंक यू.